जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एकदम खबरी में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे ने अपना जो है नोटिस जारी कर दिया है। एक नहीं दो दो नोटिस जारी किए हैं। किस बेस पे नोटिस जारी किए गए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो सबसे पहली नोटिस जो जारी की थी, ये यहाँ पर देख सकते हो किस डेट में जारी की है कि ये नोटिस जो है 30 तारीख की है, 30 जनवरी की ये नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर जो है उन्होंने बताया है कि आखिर आपका एग्ज़ाम जो है किस मंथ में लिया जाएगा, सीबीटी फर्स्ट किस मंथ में होगा, सीबीटी टू किस मंथ में होगा, सीएबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो किस मंथ में होगा, सारा शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। अभी मैंने आपको बता दें रेलवे एलपी के लिए काफ़ी छात्र जो हैं बिहार में बहुत फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाई विल बी रिलीज्ड इन नवंबर, यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा शॉर्टलिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वो नवंबर में डिसाइड किया गया है। सीबीटी फर्स्ट जो है जून अगस्त के बीच में आपका सीबीटी फर्स्ट होगा। सीबीटी टू जो है आपका, सबसे जो बड़ी बात ये मैं आपको बता दूँ तो सीबीटी टू में आप लोगों को टाइम बहुत ही कम दिया गया है। ये सितंबर यानी कि मात्र एक महीना ही दिया गया है। अगस्त में आपका जो है जून अगस्त के बीच में आपका सीबीटी फर्स्ट होगा और सीबीटी टू जो है सितंबर में होगा, यानी कि एक ही महीने का टाइम आपको मिला है सीबीटी टू तैयार करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका उसके बाद नवंबर में एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। एक नोटिस में ये एक मेन पॉइंट और लिखा है जो रेलवे ने लिखा है, द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ELP इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन 2025, यानी कि इनका ये कहना है कि हमने पहले से प्लान करके रखा हुआ है कि जनवरी 2025, यानी कि आपको पता ही होगा कि रेलवे की हर साल अब वैकेंसी जारी होगी टेंटेटिवली, यानी कि पूरा शेड्यूल जारी कर देगा हर साल का कितना वैकेंसी किस किस पोस्ट पर कितना खाली है। तो ये एक बात इन्होंने रखी कि अगर ये वैकेंसी पूरी होती है तो मैं अगले यानी कि 2025 की तैयारी हम लोग कर सकते हैं, प्लान करें जो कितनी वैकेंसी पोस्ट खाली है जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है। उसके बाद एक जो वैकेंसी जब ये होगी आपकी, उसके बाद एक नोटिस और जारी किया है इन्होंने। क्या जारी किया है? एज लिमिट का, यानी कि फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा था आपके भर्ती बढ़ने का, यानी कि आपको 5,696 पोस्ट जो है टोटल ELP की निकाली गई हैं, जिसमें से आप लोगों की ये मांग थी कि पोस्टों को और इंक्रीज किया जाए। अभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इनके रेलवे अधिकारियों की मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग के बाद ये पता चला है कि देखिए देखने में तो यही आ रहा है कि वैकेंसी रेलवे निकालने के मूड में नहीं है आप, क्योंकि ये वैकेंसी अब बढ़ने वाली नहीं, मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि रेलवे की मीटिंग में ऐसा कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि अभी देख रहे हो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आ रही थी। अब आप लोग जो है इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो, इतना बिहार में काफ़ी कैंडिडेट ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि हम लोग की वैकेंसी को आखिर इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन वैकेंसी अभी भी इंक्रीज नहीं हो रही है। लेकिन एज का बेनिफिट उन्होंने दिया है, लेकिन जो आप लोग की मांग है वैकेंसी बढ़ने का वो नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे भी ऐसा, इनकी हाई लेवल मीटिंग जो हुई है ऐसा लगता है कि ये लोग वैकेंसी को तो बढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी का वादा कर रहे हैं देंगे। तो रही बात कि अब जो है बहुत सारे कैंडिडेट ये परेशान है कि जब वैकेंसी नहीं बढ़ेगी किस जोन में कितना पोस्ट इतना कम वैकेंसी में कहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही बड़ी जो है नाइंसाफ़ी हो रही है आप लोगों के साथ। बहुत सारे जो छात्र हैं काफ़ी 5-6 सालों से जो लगे हुए हैं बिहार में जो है, काफ़ी छात्र कैसे कैसे रूम लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं, तो उन छात्रों को देखते हुए वैकेंसी को बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया आप लोगों ने वैकेंसी को नहीं जारी किया था, इतने टाइम बाद आप इतना कम पोस्ट और इतना कंपटीशन हो जाने के बाद भी, तो वो छात्र कैसे स्ट्रगल करेंगे। तो ये जो है आप लोग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है रेलवे ने, लेकिन यह है कि अभी आप लोग प्रोटेस्ट भी लगे हुए हो तो आई थिंक पोस्ट बढ़ती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो यही जानकारी आपको देनी थी, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।